नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन कलाल हूँ। मैं मुंबई में एज ए लीवर स्पेशलिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन काम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फैटी लीवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है और हम इससे बच सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैं बचने के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि ये बीमारी जो है ज़्यादातर सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो अनहेल्दी फूड है, जिनका एक्सरसाइज कम है, जिनको मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या फिर जो बैठे बैठा एक काम करते, उन लोगों में ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मोटे हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपना वज़न अपने आइडियल बॉडी वेट तक लेके जाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक ट्रीटमेंट है। मतलब इसको हम प्रिवेंशन बोल रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट फॉर दिस डेडली डिजीज। तो आपके मन में समस्या उत्पन्न या प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि मैं मेरा आइडियल बॉडी वेट कैसे जान सकता हूँ। तो दोस्तों, आइडियल बॉडी वेट जानना बहुत ही आसान है। उसके लिए अगर आपको आपकी हाइट इन सेंटीमीटर पता है तो आप इजीली इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइडियल बॉडी वेट जानने के लिए जितनी भी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर, -100 इज योर आइडियल बॉडी वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो हाइट है वो 174 सेंटीमीटर है और मेरा जो वेट है वो 70 है। तो कायदे से मेरा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 74, बट मेरा 70 है, तो मैं आइडियल बॉडी वेट के भीतर हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपना बॉडी वेट जो है वो आइडियल बॉडी वेट के नज़दीक रखिए। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और जो लीवर में होने वाला नुकसान है एक्स्ट्रा चर्बी की वजह से, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज। दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोग सिर्फ बैठते हैं, मोबाइल और इंस्ट्रूमेंट स्मार्ट होते जा रहे हैं और आदमी जो है वो डल होते जा रहे हैं। हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बैठे बैठे मोबाइल से फ़ोन ऑन कर सकते हैं, मोबाइल से टीवी ऑन कर सकते हैं, हम मोबाइल से डोर लॉक कर सकते हैं, तो एक्टिविटी कुछ नहीं है। और इस इनएक्टिविटी की वजह से ही दोस्तों लोगों में फैटी लीवर की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग रोज़ सुबह डेडिकेटेड 40-45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब टहलना नहीं, आपको ज़ोर से चलना है, जिसकी वजह से आपकी धड़कनें तेज़ होनी चाहिए, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। तो जिन लोगों को ये सूटेबल है, जिनको कार्डियक कंडीशन नहीं है, अपने डॉक्टर के सलाह के बाद वो ये कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने बोला कार्डियो, और दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह। तो ये आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर ये करेंगे तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं परसेंटेज में आपका इसका उपयोग समझाऊँ तो ऐसा हमने देखा है कि 3-5% वजन कम करते हैं तो अपने शरीर का जो लीवर का फैट है वो कम होता है। अगर हम 7-8% कम करते हैं तो लीवर की सूजन कम होती है। अगर हम 10% से ज़्यादा वज़न कम करते हैं तो लीवर में जो कड़क हुआ है वो भी कुछ हद तक कम होता है। तो याद रखिए, 10% से ज़्यादा अगर आप वज़न कम करेंगे तो आपकी सूजन से लेके हार्डनेस, फाइब्रोसिस भी कुछ हद तक ठीक हो सकती है। पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा और खाने पीने पे काबू रखना पड़ेगा। जो चीज़ें फैटी फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, उससे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ आप खाओगे, आपको कैलोरी गिन के खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल हम इसको बोलते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं ये डाइट लूँ, मैं दीक्षित डाइट लूँ, मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग करूँ, मैं कीटो डाइट लूँ। दोस्तों, कोई भी डाइट आप कर सकते हो। इन डाइट्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर फैट्स, इनका जो प्रोपोर्शंस है वो डिफरेंट है। बट अगर आप कोई भी डाइट सही ढंग से यूज़ करें और जिसकी वजह से आपको सस्टेन्ड वेट लॉस हो रहा है और आप उस वेट को मेंटेन कर सकते हो, तो वो आप डाइट कर सकते हो। तो की मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि एनी डाइट जिसकी वजह से आपका वेट लॉस सस्टेन्ड रहे, ऐसा नहीं कि आपने आज वज़न कम कर लिया, आपका डाइट कम कर लिया, वज़न कम हो गया और फिर से आप जैसे थे वैसे हो गए। दोस्तों, याद रखो, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपको आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज करनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ समय तक वज़न कम किया और जब चीज़ें ठीक हो गई और आप फिर से आप जैसे थे वैसे हो गए, तो फिर से आपको शरीर में चर्बी का प्रमाण बढ़ सकता है, फिर से आपको सूजन आके लीवर ख़राब हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। फिर दोस्तों,
आपको डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, तो डाइट एंड एक्सरसाइज जैसा मैंने बताया ये की है। और पीरियोडिक फॉलोअप, आपको आपके डॉक्टर के संपर्क में आना है और पीरियोडिक चेकअप करने हैं ताकि हम इस बीमारी को सही समय पे डायग्नोज कर सके, इसकी जांच कर सके। धन्यवाद, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।